Hi everyone, in today's lecture we are going to discuss about cross product, which is also known as vector product. Before this we have already covered dot product or scalar product. Now what is cross product? The cross product or vector product of any two vectors is written as A cross B. Cross product को हम कैसे represent करते हैं? A cross B से. क्या होती है इसकी वैल्यू? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन क्या. दिस इज अ थीटा एंगल मेड बाय ए एंड बी, या फिर हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? थीटा. दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा. नेक्स्ट थिंग इज एन कैप. मैंने आपको पहले भी बताया वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. वेक्टर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट जो हमारा होगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर होगा, मींस मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा. तो यहां से एन कैप से हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा. तो ए टू बी हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी. तो डायरेक्शन के लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा? जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन. तो हमें डायरेक्शन क्या निकालनी है? ए क्रॉस बी, ए टू बी निकालना है. तो ए टू बी अगर आप मूव करोगे, ए टू बी मूव करो, डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. तो हमने एक एन कैप ले लिया जो इन दोनों के लिए क्या है? आपका परपेंडिकुलर है. दिस इज अ एन कैप. ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी जाएंगे, ए टू बी, डायरेक्शन इज अपवर्ड. तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई जो किसके परपेंडिकुलर है? बोथ ए एंड बी के परपेंडिकुलर. इफ वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, बी क्रॉस ए. तो ये हमें जो मिलेगा दिस इज बी क्रॉस ए, दिस इज बी क्रॉस ए. अगर हम क्या करें, ये हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी, दीज आर टू वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो हमने एंगल फॉर्म किया है, एंगल क्या है? थीटा है. तो अगर मैं अपना पाम यहां रखू तो एग्जैक्टली ये प्लेन बना, ये प्लेन पे लाई कर रहा, मींस ये जो दो वेक्टर है वो एक प्लेन पे लाई कर रहे. और हमने क्या किया? एक यूनिट वेक्टर लिया, एक तीसरा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अपवर्ड भी हो सकता है और इसके ब्लो भी हो सकता है. तो वही जो डायरेक्शन हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी? राइट हैंड थंब रूल से. तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, ये हमारा बी क्रॉस ए. मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या है हमारा? नेगेटिव डायरेक्शन में. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस बी क्रॉस ए है. ए क्रॉस बी क्या है हमारा? इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज दीज आर सेम, बट डायरेक्शनली दीज आर अपोजिट. तो यहां से हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉमिटेटिव. जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉमिटेटिव नहीं है, डॉट प्रोडक्ट मेरा कॉमिटेटिव होता है. ठीक है, तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन बाय ए क्रॉस बी. दिस इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, वेयर मॉड ऑफ ए क्या होगा आपका? वेयर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मॉड ऑफ बी क्या होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी विच इज लाइज फ्रॉम जीरो टू पाई. ये किसके बीच में लाई कर रहा है आपका? जीरो टू पाई. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ए और बी के परपेंडिकुलर जो मेरा वेक्टर होगा, दिस इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ए एंड बी. मीन्स या तो ये दोनों के परपेंडिकुलर या होगा, या फिर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें मेरा ए और बी लाई करेगा. ठीक है, तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेरा कॉमिटेटिव नहीं होता. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट ए क्रॉस बी मेरा अपवर्ड है, बी क्रॉस ए मेरा क्या है? डाउनवर्ड है. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है? माइनस बी क्रॉस ए. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट.
Now, what are the various properties of vector product? Before starting properties of cross product, let's discuss some important points. Cross product is mod of A, mod of B, sine theta n cap, where mod of A is magnitude of A vector, magnitude of B vector, theta is the angle between A vector and B, n cap is the unit vector which is perpendicular to both A and B. Both A and B, or we can say that the plane in which A or B lies. First point is, if vector A is 0 or B is 0, या तो हम A vector को 0 कर रहे हैं या B vector को 0, इनमें से कोई भी एक vector या दोनों ही vector मेरे 0 हो जाते, तो उस case में A cross B क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? Second point, if theta is 0, means now these are two vectors A and B, these are two vectors A and B, angle between these two vectors is theta, but if theta is 0, then अगर हम theta को ही 0 कर दें, theta 0 का मतलब क्या होगा, ये दूसरे के parallel होगे, तो उस case में भी मेरा क्या होगा, sin theta, theta is 0, sin 0 is 0, तो A cross B क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरे vectors क्या होंगे, A is parallel to B. अगर आपसे कंडीशन पूछी जाए परपेंडिकुलर के लिए, तो याद रखो बच्चों, परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, a डॉट b इज 0, और पैरेलल के केस में क्या होता है, a क्रॉस b इज 0, ठीक है? अगर आपको पैरेलल करना है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 कर दो, अगर परपेंडिकुलर लेना है तो उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो. नेक्स्ट, अगर मेरे पास a क्रॉस a है, मींस एक वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ आपको क्रॉस लेना है, तो सेम वेक्टर के साथ आप लोगे तो एंगल क्या होगा, 0, तो sin थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो a क्रॉस a मेरा क्या हो गया, 0. नेक्स्ट, इफ वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर, a का नेगेटिव क्या है, माइनस a, तो भी मेरे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0, क्यों, क्योंकि इस केस में थीटा मेरा क्या हो गया, 180 हो गया, इस केस में थीटा क्या हो गया, 180, तो sin 180 भी क्या होता है, 0 होता है. These are some important points about cross product. Next, this is most important, vector products of unit vectors, कि हमें क्या करना है, unit vectors का vector product निकालना है. तो इसके लिए हम एक cyclic order को learn करेंगे. ये आपका i cap, j cap, k cap, एक cyclic order है. अगर आप anti-clockwise move करते हो, अगर हम anti-clockwise move करेंगे तो डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? तो कैसे होगा, देखो ये क्या है, फिगर के थ्रू देखते हैं. ये है x, 3D में अगर हम बात करें, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज z कोऑर्डिनेट. x को x एक्सिस में जो हम यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं, i कैप, y एक्सिस पे j कैप और z एक्सिस पे k कैप. अब हमें जाना कहाँ है, आई टू जे, आई टू जे, आई टू जे आप मूव करोगे, डायरेक्शन क्या मिल रही है, के, डायरेक्शन क्या मिल रही है, के. तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू. तो आई क्रॉस जे, यहां से चेक करो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के, पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट किसके रिजल्टेंट होगा, तीसरे के, क्योंकि ये थ्री, ये तीनों की तीनों, ये क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई. नेक्स्ट, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे. क्यों, देखो आई और जे, आई और जे क्या है, परपेंडिकुलर है, आई और जे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मीन्स इनके बीच में एंगल कितना, 90. तो साइन 90 अगर हम यहाँ पुट करेंगे, साइन 90 हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b. हमें क्या निकालना है, i क्रॉस j निकालना है, फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं, i क्रॉस j क्या होगा, मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j साइन ऑफ 90. अब ये जो n कैप है, n कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन वाइज क्या होगा, यहाँ देखो आई और जे के बीच में, मैंने क्या बोला, जब भी हम डायरेक्शन निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, आई टू जे, आई टू जे डायरेक्शन क्या मिली, यहाँ अगर आप एन कैप रखें तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, एन कैप क्या होगा, के होगा,
तो यहां से हमें क्या मिला, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ऐसे ही हम जे क्रॉस के निकाल सकते हैं, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। इफ वी आर रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर हम रिवर्स कर दे ऑर्डर को, जे क्रॉस आई लिखे, जे क्रॉस आई ये कितना हो जाएगा माइनस के, के क्रॉस जे लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज माइनस जे, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे। क्यों होता है बेटा ये, क्योंकि ये आपकी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंगल क्या है इनके बीच में 90 डिग्री है, और एन कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब आई क्रॉस आई की अगर हम बात करें, आई क्रॉस आई, आई का आई के साथ एंगल क्या फॉर्म होगा जीरो डिग्री, तो साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो आई क्रॉस आई इज जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज जीरो, और के क्रॉस के भी क्या होगा मेरा जीरो होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर हम सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो वो क्या देगा हमें जीरो देगा, और इफ यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन द रिजल्टेंट इज द थर्ड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज properties, properties of cross product. First property is cross product is not commutative. क्या होता है कि cross product जो है वो मेरा commutative नहीं होता, क्यों, क्योंकि b cross a की value क्या होती है minus a cross b, by magnitude, magnitude wise तो वो सेम होगा but directionally हम देखें तो वो opposite होगा, एक upward direction में होगा तो दूसरा क्या होगा downward, एक upward है तो दूसरा क्या है downward है। Next is डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ए क्रॉस बी प्लस सी, सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट लो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, आपको क्या करना है ए प्लस बी क्रॉस सी, ए प्लस बी क्रॉस सी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, ओके। दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट अबाउट दिस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री क्यू, वेक्टर बी इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। वॉट इज ए क्रॉस बी, ए वन आई ए टू जे कैप ए थ्री के कैप क्रॉस बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सेम यूनिट वेक्टर के साथ आपका जीरो मिलता है तो ए वन को इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा ए वन आई बी वन आई जीरो हो गया, ए वन इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा ए वन बी वन आई क्रॉस आई, ए वन बी वन आई क्रॉस आई प्लस ए टू प्लस ए वन बी टू आई क्रॉस जे प्लस ए वन बी थ्री आई क्रॉस के। नेक्स्ट ए टू को करेंगे इसके साथ ये क्या मिलेगा ए टू बी वन जे कैप आई कैप प्लस ए टू बी टू जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए टू बी थ्री जे क्रॉस के प्लस अब ए थ्री को करेंगे ए थ्री बी वन के क्रॉस आई प्लस ए थ्री बी टू के क्रॉस जे प्लस ए थ्री बी थ्री के क्रॉस के। तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के ये तो क्या हो जाएगा जीरो, दिस इज जीरो। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होता है आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो,
एंड के क्रॉस के इज अगेन जीरो, तो ये जीरो बना। अब साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, दिस इज साइक्लिक ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के, ये क्या बन जाएगा मेरा के, दिस गिव्स के, तो यहां से ये तो हो गया जीरो, ये क्या बनेगा ए वन बी टू, आई क्रॉस जे इज के कैप, ए वन बी थ्री आई क्रॉस के, आई जे जे के, के आई मेरा जे होता, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, तो ये आ जाएगा ए वन बी थ्री जे कैप, ये क्या देगा मुझे माइनस जे कैप। यहां से जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो ये क्या होगा माइनस ए टू बी वन के कैप, ये जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई, ए टू बी थ्री आई कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज, के क्रॉस आई इज जे, के क्रॉस आई इज जे, ए थ्री बी वन जे कैप, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस जे इज माइनस, ये आ जाएगा माइनस ए थ्री बी टू आई। नेक्स्ट, ये तो जीरो हो गया, आई कंपोनेंट्स को एक साथ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई कैप, जे क्या है हमारे पास ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री जे कैप, के कैप ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के कैप। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इतना करने की बजाय हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, इस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेंट। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, वी आर कैलकुलेटिंग ए क्रॉस बी, इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब भी हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो अपने वेक्टर्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में। एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है विच इज थीटा, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एंड क्या, ठीक है। अब एंगल की अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास क्या है डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को यहां से हटाने के लिए हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का मॉड, ये तो मॉड ही देगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस इज वन क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वन, तो हमें क्या निकालना है साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहां से थीटा की अगर हम बात करें, थीटा इज साइन इनवर्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। What is unit vector? Unit vector, it is a vector which is perpendicular to both A and B or the plane in which these two vectors lies.
तो हम वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी की अगर हम बात करेंगे, ए क्रॉस बी दिस इज वेक्टर, ए क्रॉस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। तो यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो एन वेक्टर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मॉड। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं। अब इस फिगर से देखो एन कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एन वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेक्टर। इफ अ यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड पी, इफ इफ इसको रिमार्क में लिख लें, इफ अ यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड पी, इफ अ यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड पी देन एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस पी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट, ये एक आइडेंटिटी है। इसको अगर हम प्रूव करें तो देखो क्या होगा, ए क्रॉस बी हमें पता है दिस इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन का, हमें क्या चाहिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो स्क्वेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का स्क्वेयर मॉड ऑफ ए का स्क्वेयर मॉड ऑफ बी का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा एन कैप का स्क्वेयर करेंगे, यूनिट वेक्टर का स्क्वेयर वन, ये कितना हो जाएगा वन। तो यहां से क्या मिला, मॉड ऑफ ए स्क्वेयर मॉड ऑफ बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, दिस इज वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा मॉड ऑफ ए स्क्वेयर मॉड ऑफ बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वेयर मॉड ऑफ बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा मॉड ऑफ ए का स्क्वेयर मॉड ऑफ बी का स्क्वेयर माइनस ए ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर। और ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ऑफ कॉस ऑफ थीटा, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। तो ये कितना आ गया, ए बी का स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी का स्क्वेयर। ये आपका लैग्रेंजेस आइडेंटिटी हो गया, यूनिट वेक्टर हमने देखा कैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। और लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या कहती है, ए क्रॉस बी का स्क्वेयर मॉड ऑफ ए का स्क्वेयर मॉड ऑफ बी का स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी। तो आज हमने क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके बेस पे। थैंक यू।